हेलो एवरीवन, मैं अजय न्योल, अजय न्योल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका जेई मेन और जो एडवांस है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो नहीं आई है एनटीए की तरफ से, ना ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल आई है अभी कब तक आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई होना शुरू होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कितने कब तक आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है और जो जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कब तक लिया जाएगा, इसका रीजन क्या है। देखो सबसे पहले बात आती है कि जो आपका मेन रीजन, देखो कोई भी आपने देखा होगा कि जो कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मेन रीजन बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ के साथ कई स्टेट के अंदर इलेक्शन भी है, तो जो एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है वो कोई भी ओमिक्रॉन के कारण नहीं हो रहा है, कोई भी कोरोना के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि कई स्टेट के अंदर एग्जाम चल भी रहे हैं, स्टेट लेवल पे एग्जाम चल रहे हैं, अलग और भी जो भी मान लो एग्जाम है कोई भी स्टेट सी स्टेट जो भी एग्जाम देते हैं उनके एग्जाम जारी है कई स्टेट के अंदर आज भी, क्योंकि जैन के अंदर मान लो हाईएस्ट दिखा रहे हैं भी, कोरोना का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी पॉसिबल मेरे को नहीं लग रहा है इस चीज के अंदर। मेन रीजन है वो और ही लग रहा है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड होगा, अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि मार्च एंड तक आपका जो मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। उसके साथ साथ बच्चों को ये लग रहा है कि आपका जो एडवांस है वो कब तक हो जाएगा। तो देखो जो एडवांस है वो उसके लिए आपको टाइम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने जेई मेन का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट मार्च के लास्ट या लास्ट तक होगा ये पक्का है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपको टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन आने के बाद, जब से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको टाइम मिलता है लगभग 45 दिन का अप्रोक्सीमेट टाइम जरूर मिलता है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो आपका एग्जाम मार्च तक जरूर जाएगा, लास्ट तक मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, जो आपका ये जो जिस हिसाब से एनटीए चल रही है। उसके बाद एडवांस की बात करें कि आपका एडवांस कब तक लिया जाएगा, तो एडवांस का जो आपसे जेई एडवांस का जो अटेम्प्ट होगा वो अप्रोक्सीमेट अगस्त के लास्ट के अंदर जाके आपसे लिया जाएगा। कब तक? अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इतना टाइम इस गैप के अंदर मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट स्कोर, आपको इस चीज में बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, भी इतना टाइम बहुत ज्यादा आगे जा रहा है तो क्या करना है हमारे को। देखो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी लेवल पे चलो, आपका स्कोर अच्छा बढ़ाना है आपको इस चीज में, जो आपको टाइम मिला है ना उसका आपको पूरा का पूरा कंज्यूम करना है उस टाइम को, और आपको अपना स्कोर बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि एडवांस के अंदर भी आपको अच्छा टाइम मिलेगा। उसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि मार्च के एंड में अगर आपने दिए या अप्रैल के फर्स्ट वीक में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो उसके हिसाब से भी मान के चले तो आपको 5 मंथ बीच के अंदर जो टाइम पीरियड मिलेगा एडवांस के लिए वो बहुत अच्छा स्कोर के लिए मिल जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस मार सकते हो एक एक चीज। तो मैं आपको ये चीज पहले भी बताता हूं कि जो आपको जो आपने आपका लक्ष्य रख रखा है उसको हासिल करने के लिए आप दिन रात उसी में मेहनत करो अच्छी, आपसे एग्जाम जरूर लिया जाएगा, चाहे 5 दिन लेट हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपना तैयारी जरूर रखना, क्योंकि कई बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है इस चक्कर में भी बहुत ज्यादा पोस्टपोन होगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जल्द ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अपनी तैयारी जारी रखें। और साथ के साथ आपने देखा होगा कि अब की बार जो आपकी एग्जाम फीस है वो बढ़ा दी है, तो देखो ये चीजें लग रही है, अटेम्प्ट आपसे 4 अटेम्प्ट लिए जाएंगे, बच्चों के मन में ये भी चल रहा है भी 3 अटेम्प्ट लिए जाएंगे या 2 अटेम्प्ट आपके जो अटेम्प्ट है वो कम किए जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई फीस भी आपसे लेनी है, तो फीस लेनी है ज्यादा तो कम से कम मान के चलो 4 अटेम्प्ट जरूर लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी फीस बढ़ा के ली जा रही है। तो उस रीजन में आप ये चीज दिमाग में बिठा लो कि आपके 4 अटेम्प्ट जरूर लिए जाएंगे जेई मेन के। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।